नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बवाल हुआ है। निर्वाचन कार्यालय के सामने तनावपूर्ण स्थिति। दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह आमने सामने आ गए। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया, समय बदलने और अपहरण का आरोप लगाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बवाल। निर्वाचन कार्यालय के सामने तनावपूर्ण स्थिति। दिग्विजय और भूपेंद्र सिंह आमने सामने। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया, समय बदलने और अपहरण का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्वाचन कार्यालय के बाहर। ये बवाल हुआ है, जहां दिग्विजय सिंह, पुलिस, कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, आरिफ मसूद भी दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह, कांग्रेसी नेता, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। दुष्यंत, बताएं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। दुष्यंत, आवाज मिल रही है आपको? दुष्यंत के पास हम जाएंगे। दिग्विजय सिंह के साथ पुलिस और आरोप कांग्रेस का अपहरण और समय बदलने का जानकारी दे रहे हैं दुष्यंत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या कुछ स्थिति है वहां पे? हाँ, देखिए, जिस तरीके से लगातार निर्वाचन की प्रक्रिया जो है शुरू होनी है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार ये देखने में आया कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो पूरे नहीं पहुंच पाए थे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं अब तक जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं का आना जाना लगातार जिला पंचायत कार्यालय में बना हुआ है, चाहे हम रामेश्वर शर्मा की बात करें या फिर हम बात करें भूपेंद्र सिंह की, जो कि प्रभारी मंत्री हैं राजधानी भोपाल के, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और तमाम सारे कांग्रेस नेता लगातार सुबह से ही जिला पंचायत कार्यालय के बाहर बने हुए हैं। और जिस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने एक चीज का विरोध जताया है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो अपनी गाड़ी लेकर कार्यालय तक पहुंच रहे थे, कार्यालय के अंदर भी जाना चाह रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ने यही विरोध जताया है कि इस तरीके से गाड़ियां लेकर कोई भी कार्यकर्ता जो है वो अंदर नहीं जा सकता। और जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सहित मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनको जब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो क्यों अंदर जा रहे हैं, इस तरीके का विरोध उन्होंने जताया है। और जिस तरीके से साफ तौर पर विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुई है। हालांकि इस बीच में जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह और दिग्विजय सिंह का आमना सामना भी होगा, और दिग्विजय सिंह ने इस पूरा विरोध जो है भूपेंद्र सिंह के सामने भी जताया, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मनमानी जो है वो सरकार की नहीं चलने दी जाएगी। और जिस तरीके से लगातार जो हर तमाम सारे जिलों में इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि इस तरह कांग्रेस के जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके साथ में जोर जबरदस्ती सरकार की ओर से की जा रही, प्रशासन की ओर से की जा रही, तो इसका पुरजोर विरोध जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। तमाम सारे आरोप जो है यहाँ पर सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जी पार्लो, बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोपों के बीच इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये अगर तस्वीरें भोपाल की है तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा होगा। एक बड़े कद के नेता और इस तरह से आपस में हम देख रहे हैं इनको, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी इनके बीच में है। इन तस्वीरों के बारे में भी जरा बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा था। भूपेंद्र सिंह जब यहाँ पर कार्यालय पहुंचे थे तो वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी गाड़ी भी उनकी अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा था गाड़ी के साथ में, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही जब वहां पर पहुंचे तो उन कांग्रेस के जो तमाम सारे वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस बात का विरोध जताया था कि जो बीजेपी के मंत्रियों की और बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जो है वो अंदर नहीं जाएंगी, अगर वो जाना चाहते हैं तो भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य को वोट करनी है और वो ही अंदर जाए तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जब कांग्रेस के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो ऐसे में बीजेपी के भी प्रतिनिधियों को अंदर जाना कहां तक उचित है। और इसी बात का विरोध जो है वो कांग्रेस के तमाम सारे नेता वहां पर जता रहे थे।
और इस दौरान जब भूपेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सामना भी हुआ। हालांकि भूपेंद्र सिंह बड़े सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं और इसी व्यक्तित्व को उन्होंने दिखाया और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने अपना विरोध जब उनके सामने जताया तो उन्होंने भी उस बात को पूरा सुना और फिर उसके बाद वो अंदर निकल गए। लेकिन जिस तरीके का माहौल जिला पंचायत कार्यालय के बाहर देखने को मिल रहा है तो उससे ये जरूर समझा जाए कि आगामी समय में जब 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका सीधा असर जो है वो उन चुनावों पर पड़ने वाला है और इसीलिए जोर आजमाइश और जिस तरीके से दो दो हाथ जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने से लड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो परिणाम निकल कर सामने आए थे, चाहे हम सरपंचों की बात करें, यहाँ पर हम जनपद पंचायतों की बात करें या जिला पंचायतों की, तो कहीं ना कहीं जो लगभग 50-50% का जो आंकड़ा रहा था वो देखने को मिला था और कांग्रेस ने दावा किया था कि 80% जो उनके समर्थक लोग हैं वो जीत के आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जोर आजमाइश जरूर देखने को मिल रही है और यही जोर आजमाइश जो है इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के विधानसभा के जब 2023 में चुनाव होंगे तो उन पर पड़ेगा और मतदाताओं को रिझाने के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जब 2023 में विधानसभा की वोटिंग होगी तो उसमें कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ जो है पार्टियों को, राजनीतिक दलों को मिलेगा और इसीलिए ये पूरी जोर आजमाइश जो है इन चुनावों में देखने को मिल रही है। दुष्यंत, लेकिन ये चुनावी ये कह सकते हैं कि चुनावी आगाज मध्य प्रदेश में इन तस्वीरों के साथ हो गया है और आने वाले समय में, क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस इलेक्शन टाइम पे किस तरह से प्रदर्शन करती है, फिर उस वक्त जब कुणाल चौधरी युद्धविंग देख रहे थे और उसके बाद जीतू पटवारी भी उस समय थे और फिर सरकार बनी थी, उस वक्त के बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन जो हुए थे युवाओं के, वो भी तस्वीरें चुनाव से पहले की थी और अब ये तस्वीरें देखकर याद आता है कि चुनाव करीब आ गए हैं। इसको कहा जा सकता है क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय है, 12 से 13 या 14 महीने ही केवल शेष बचे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी वो जमीन तलाशने लगे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों की जो जमीनें हैं वो खिसक ना जाए इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लगातार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, तमाम सारे दल अपनी अपनी जमीनों को तलाश रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वहां पर अभी से जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाया जाए। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के जब चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन हो रहा है, तो उस निर्वाचन में किस तरीके से अपनी पेट बनाई जाए, अपने समर्थकों को वहां पर उस पद पर बिठाया जाए ताकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष उनका समर्थक समर्थित प्रत्याशी होगा तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे तो इसका सीधा असर जो है उन चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। आज कांग्रेस का अगर समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस अच्छी खासी पेट बना सकती है और यही कारण है कि बीजेपी भी इस बात को लेकर बहुत अच्छे से जानती है कि अगर चुनावों पर काबू पाना है या चुनावों में एक बार फिर से जीतकर सरकार मध्य प्रदेश में 2023 में बनानी है तो फिर उसको लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी दबदबा कायम रखना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में दबदबा कायम केवल जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर और जिला पंचायत में अपनी परिषद बनाकर किया जा सकता है और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो 52 जिले हैं उन 52 जिलों में ज्यादा से ज्यादा जिलों में बीजेपी अपना उम्मीदवार जिला पंचायत अध्यक्ष बना सके और कांग्रेस अपना बना सके, इसी को लेकर लगातार जोर आजमाइश जो है वो देखने को मिल रही है और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं दो दो हाथ करने को भी तैयार हैं। शुक्रिया दुष्यंत जानकारी देने के लिए। तो दोनों ही दल चाहते हैं कि गांव में उनकी पैठ मजबूत हो और इसीलिए निर्वाचन कार्यालय के बाहर दोनों ही दल पहुंचे, जहां भूपेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे और कांग्रेस के तमाम नेता जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह। और चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से देखिए और समझिए कि क्या कुछ वहां पर हुआ। पुलिस में लेके आ गए, ¡Gracias!
तस्वीरें आप देख रहे थे निर्वाचन कार्यालय के बाहर, जिला निर्वाचन कार्यालय। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। बहुत स्वागत पवन पटेल जी आपका अनादि टीवी पर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैम बताएं। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर, किस तरह से निर्वाचन कार्यालय के सामने तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप दोनों ही पार्टियां आमने सामने हो गए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं देखिए, पार्टियां तो हमेशा आमने सामने रहती है, लेकिन संवैधानिक दायरे में आमने सामने रह के लड़ाई लड़ता है आदमी, और संविधान जिसको अमेंडमेंट मिलता है उसका स्वागत करते हैं, उस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख इतनी खराब हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, इसलिए हाथापाई पे उतारू हो गए हैं। कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ंत होती है, अभी हाथापाई पूरी तानाशाही चल रही है और इस देश और प्रदेश की जनता देख रही है, और अभी भारतीय जनता पार्टी का बाइंड अप होने का टाइम आ चुका है। तो जब जैसे दीपक तेज जलता है, जब बुझने वाला होता है, उसी तरह की हालत भारतीय जनता पार्टी। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सर, पीसी शर्मा एमएलए हैं, दिग्विजय सिंह साहब कद्दावर बड़े नेता भारत कांग्रेस के, और उसके अलावा आरिफ मसूद साहब भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की फौज सर इन तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रही। इन बड़े नेताओं को ही फ्रंट फुट पर रखा गया था, इन्हें ही आगे बढ़ाया गया था? नहीं, आगे बढ़ाने न बढ़ाने का सवाल नहीं था उसमें, हर कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ता है। अब वहाँ पे अब हमारे भाई कार्यकर्ताओं के जब हमेशा कई जगह ऐसे पूरे प्रदेश में कई जगह इस तरह के हालात देखने को मिले, तो हमारे बड़े लीडर भी कहते हैं, बड़े लीडर से धक्का मुक्की हो रही है इस तरह के हालात है, तो छोटे कार्यकर्ता को बसते नहीं, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसके ऊपर कोई ना कोई केस ना लगा दे। आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाओगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे, आपकी इंक्वायरी कर देंगे, तो नई तरह का जो फिल्मी स्टाइल के उस टाइप की राजनीति कर रहे हैं। यानी इस डर से कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने दिया गया, क्योंकि पीछे तक की भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है तस्वीरें, वहां पर और भी ज्यादा कोई कार्यकर्ता आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर ना हो, इसलिए सीनियर लीडर उन्हें आगे किया गया इस झड़प में, इस धक्का मुक्की के बीच। डरने वाली बात नहीं, सीनियर लीडर को आगे नहीं, अभी सीनियर लीडर नहीं होते तो आप लोग कहते कि बैठे हुए सीनियर लीडर घर में और कार्यकर्ता लड़ रहा है, कोई वहाँ रैली और सम्मेलन का कार्यक्रम तो था नहीं की पूरे जनता को लेकर जाना भी तो है आपकी पार्टी में, बड़े यंग लीडर्स भी तो हैं, जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी, ये भी तो यंग लीडर्स हैं आपकी पार्टी में। हाँ तो यंग लीडर सब अपने अपने जगह देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी यंग लीडर देखे कि इकट्ठे हो ना, कोई ऐसा फंक्शन था, ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि शेड्यूल क्या था सर इस दौरान, जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। पवन जी पता होगा आपको कि फिर वो दूसरा कहां पर प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि जीतू पटवारी जी या कुणाल चौधरी जी या कोई और यंग लीडर आपकी पार्टी का कहीं और प्रदर्शन कर रहा हो। कहीं और प्रदर्शन नहीं कर रहा, वो यंग लीडर्स इस मुठभेड़ में वहां दिखाई नहीं दिए, भीड़ भड़के में दिखाई नहीं दिए कहीं पर भी? नहीं तो हम लोग इस एक्सपेक्टेशन से नहीं गए थे कि भीड़ धक्का मुक्की करेंगे, हम ऐसी तैयारी से नहीं गए थे, हमें लग रहा था कि संविधान का थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लाज सम्मान रखेंगे, ऐसा नहीं था कि हम लोग को धक्का मुक्की करेंगे, हमें दो बंदूक लेकर जाने चाहिए, सभी यंग लीडर को बुला के जाना चाहिए, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं भी था इसका कि सब कोई एक जगह इकट्ठे होना है, ये तो नॉर्मल एक था गया था, इस टाइप के हालात बने, हालात क्रिएट कर दिया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो कुल मिलाकर उस वक्त प्रॉब्लम ये हुई थी कि भूपेंद्र जी को अंदर जाने दिया गया, और आप लोग यानी दिग्विजय सिंह साहब और बाकी कांग्रेस ये चाह रहे थे कि उनको अंदर ना जाने दिया जाए, ये पूरा विवाद इसी चीज को लेकर खड़ा हुआ था। ये एग्जैक्ट बात क्या मैंने, हो सकता है इसी कारण से हुआ, हमें भी आप ग्रेट। गोविंद वालू जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद, जब चुनाव होना था वहां निर्वाचन कार्यालय के बाद, भूपेंद्र सिंह साहब थे कांग्रेसी थे, उन्हें अंदर नहीं जाने के लिए कहा जा रहा था कि वो ना जाएं, जिनका काम है वही जाएं, उसके बाद से सर बवाल हो गया, पूरी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं किस तरह से भीड़ भाड़ हुई और आपस में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच भी विवाद हुआ है, क्या कहिएगा? देखिए कांग्रेस का काम तो विवाद करना है, जो है जो लोकतंत्र में परिणाम है वो सबके सामने है, ट्रांसपेरेंट हमारी निर्वाचन प्रक्रिया है, उस पर क्यों बखेड़ा खड़ा करना, कोई जाए आए कुछ करे, आप भी देखिए उसको क्लोजली देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस लोकतंत्र को हाईजेक करना चाहती है, उस पर अतिक्रमण करना चाहती है, वो निंदनीय है। गोविंद मालू जी आरोप लगाए जा रहे हैं कि समय बदलने के पीछे बीजेपी, अपहरण का आरोप भी लगाया जा रहा है कांग्रेसियों की तरफ से सर,
और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आप लोग आपका डाउनफॉल शुरू हो गया इसलिए आप लोग फड़फड़ा रहे हैं। अभी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए पवन पटेल जी, कहिए गोविंद मालू जी, कहिए क्या कहेंगे इन आरोपों पर। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, प्रमाण सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। हमने तो सिद्ध किया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से नोट के बदले वोट लेने के लिए कांग्रेस ने प्रलोभन दिए। अपने लोग संभाल के रखे नहीं जाते हैं, हमारे लोग कभी बिके क्या? इन्होंने नोट दिए तब नहीं बिके, उनको लोग देश के सामने बता दिए कि देखो नोट की गड्डी पड़ी है, हमको खरीदने आए थे। ये लोग तो झूठे लोग हैं, ये लोग खुद अपने लोगों को संभाल के रखना नहीं चाहते हैं, खुद के इनके लोग गायब हो जाते हैं। इनकी गुटबाजी आपसी इतनी है कि एक दूसरे का संघर्ष इनके बीच में चलता रहता है। अरुण यादव दिग्विजय सिंह को नीचे दिखाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह सुरेश पचौरी को नीचे दिखाना चाहते हैं, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह को अलग करना चाहते हैं। ये इनके आपस की जो कुर्सी रेस है, इसी चक्कर में ये हम पर आरोप लगाते हैं। अपने लोग इन संभाल के रखें, हमारे तो कोई लोग इधर उधर नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं गए। जब हम विपक्ष में थे तब भी, जब हमारी कोई स्थिति हैसियत नहीं थी तब भी हमारे लोग हमारे साथ, हमने कभी आरोप नहीं लगाया। इन्होंने प्रलोभन दिए, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने अपहरण की, इन्होंने घराने धमकाने की कोशिश की, इसको हमने उजागर किया लोकतंत्र में, मीडिया के सामने, सबके सामने। गोविंद मालू जी, लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर सामने आई है जिसमें कांग्रेस ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का भी उपयोग आप उन्हें पीछे करने में कर रहे थे, ये तो हमेशा का आरोप है। देखिए कांग्रेस का आरोप, ये तो हमेशा आरोप है, ये तो इनका रटा रखा है कि हमेशा आरोप लगाना इनका काम है। ईवीएम का घोटाला, जब हारेंगे तो ईवीएम की बात करेंगे, जीतेंगे तब ईवीएम की बात नहीं करेंगे। ये दोहरे मापदंड कांग्रेस के पास है, जब हारते हैं अरे भाई अपना आधार बढ़ाओ, लोगों में अपना जो आपका सिकुड़ गया है आधार, उसको व्यापक करो, लोगों की बात करो, लोगों की लड़ाई लड़ो, उसके लिए तो आप जाने नहीं जाते हैं। सोनिया गांधी को अगर आप पे आरोप है, मेरी बात सुन लीजिए, उस पर पूरे देश में बवंडर करोगे, लोकसभा को स्थगित करोगे, कहीं क्या करोगे, जनता की समस्या पर आप जाइए लोगों के साथ, आपकी समस्या पर मत जाइए, आपकी समस्या से लोगों को लेना नहीं है कि सोनिया गांधी को जेल में डाल दें या फांसी पे लटका दें, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है उनके हित में कौन महंगाई बेरोजगारी से मतलब है। और आप लोग, आपके जो भ्रष्ट नेता हैं, ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर पवन पटेल जी, विश्लेषकों का ये आकलन है कि चुनावी आ गई आपकी पार्टी, आपके नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, क्या बात कर रहे हो हमारे पवन जी, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा काम हो जाइए सर, इतना गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा वहाँ हो ही रहा है, हाँ इधर उधर मुठभेड़ हो रही है, इतना गुस्सा मत कीजिए, मेरा सवाल सुनिए सर, ये महंगाई पर नहीं हो रहा था ना प्रदर्शन, ये प्रदर्शन हो रहा था कि शायद आपका एक कैंडिडेट बन जाए, आपका जो कैंडिडेट है वो परमानेंट हो जाए, ये प्रदर्शन उस चीज के लिए हो रहा था, ये महंगाई के लिए था ही नहीं प्रदर्शन, आप कहाँ महंगाई पर जा रहे हैं, मुझे ये बताइए, चुनाव आ गए सर, कांग्रेस आ गई चुनावी मोड में, इधर से तोड़ लो उधर से तोड़ लो, कैसे भी सरकार बनाओ, पवन जी का काम ये अपनी बात कर रहे हो आप, 15 महीने की सरकार नहीं भूल रहे, चार इधर से तोड़ो दो उधर से तोड़ो और हम आप कैसे भी काबिज हो जाए, कहीं भी जनपद से लेकर, अरे भगवान धन्य है, और नगर पालिका पंचायत में तोड़ फोड़ का काम कांग्रेस का है, प्रलोभन देने का काम कांग्रेस का है, बोलने तो मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, जब इनकी बात खत्म हो जाए तब बताइएगा मुझे जब बोलना हो। देखिए लोकतंत्र का अपहरण, लोकतंत्र का शील भंग कांग्रेस ने किया है आजादी के बाद से आज तक, लोकतंत्र की बहू का सुहाग इन गुंडों की फौज ने उखाड़ा, अरे वाह बात करने में तो नंबर एक पानी नहीं आता, इसलिए देश ने इनको एक कोने में, छोटा सा कमेंट मैं पवन जी से ले लूं, पवन जी टाइम थोड़ा सा कम है, समय इजाजत नहीं दे रहा, कहिए पवन जी छोटा सा कमेंट आपका। मेरा निवेदन ये था कि जो बड़ी बड़ी खरीद फरोख किसने की पूरी दुनिया जानती है, आपने बोला महंगाई, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला जनता के मुद्दे उठाओ, सदन में हम महंगाई पे बात कर नहीं सकते हैं, सड़क में हम जाएंगे तो आरोप लगा देंगे, केस लगा देंगे, धाराएं लगा देंगे, तमाशा मचा हुआ है, एक भी काम हमको बता दीजिए, तमाम महंगाई जीएसटी सब तबीयत की सरकार बन रही है, बड़े अच्छे क्या कर रहे हैं, किस जनता को रिलैक्स दे रहे हैं, कैसा रिलैक्स दे रही है, क्या बात कर रहे हैं, बस बतौलेबाजी में इनको कोई हरा नहीं सकता है, आज महंगाई की ताबड़तोड़ मची, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए समय अब इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन तस्वीरों को दोबारा से देखें और आकलन कीजिए कि मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें हैं, मूड अब चुनावी हो चला है और पार्टियां अब चुनावी मूड में आ चुकी हैं।
और इसलिए भी ये कहा जा रहा है क्योंकि किस तरह से बड़े कांग्रेसी नेता फ्रंट लाइन पर आ जाते हैं, फ्रंट फुट पर आ जाते हैं और पुलिस के साथ उनकी बहस हो जाती है, झड़प हो जाती है और उन्हीं नेताओं को पुलिस पीछे करने की भी कोशिश करती है क्योंकि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस मौजूद थी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।